हाय फ्रेंड, आज आपका हमारे इस नई वीडियो में नई दिल से स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास मारुति कंपनी की स्विफ्ट गाड़ी आई हुई है। तो फ्रेंड, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें कस्टमर का प्रॉब्लम है कि गाड़ी रनिंग में ड्राइव करते समय अचानक में चिक लाइट आ गया। इनको जो किलोमीटर का स्पीड जो सेंसर आता है वो इनका रीडिंग नहीं बता रहा है कि गाड़ी कितने स्पीड में जा रही है, 20 में या 40 में या 60 में। तो हम आपको पहले दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं, हम गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए, इसमें चेक लाइट आ रहा है, ठीक है। बाकी हमारे गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ चेक लाइट आ रहा है, गाड़ी में मिसिंग विसिंग भी नहीं है, ठीक है फ्रेंड। तो हम सबसे पहले तो इसको गाड़ी को ड्राइव करेंगे और ड्राइव करके चेक करेंगे कि इसका जो किलोमीटर का स्पीड सेंसर आता है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका जो रीडिंग है 20 RPM, 40 RPM, 60 RPM पे बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो सबसे पहले तो हम इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं। अगर ये जो स्पीड लिमिट है अगर वो नहीं बताएगा तो समझ लीजिए इसका स्पीड किलोमीटर सेंसर जो आता है वो ख़राब हो सकता है या उसका वायरिंग कट हो सकता है। फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं, हम इसका टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं लेकिन हमारा जो स्पीड किलोमीटर आता है वो नहीं चल रहा है। देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, हमारी गाड़ी चल रही है, देखिए, लेकिन स्पीड किलोमीटर का जो काटा है वो अपने जगह पे ही रुका हुआ है। उसे चलना चाहिए कि हमारी गाड़ी कितने स्पीड में चल रही है, 20 के स्पीड में 40 के स्पीड में 60 के स्पीड में, वो बताना चाहिए हमें, लेकिन वो रीडिंग बता नहीं रहा है, देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका वायरिंग चेक करेंगे। अगर वायरिंग किधर से कटा वटा रहेगा तो ठीक है, और नहीं कटा रहेगा तो उसके बाद हम गाड़ी का स्कैनिंग करेंगे और स्कैनिंग करके चेक करेंगे कि हमारा कहीं सेंसर तो खराब नहीं है। अगर सेंसर खराब रहेगा स्पीड किलोमीटर का तो हम वो सेंसर रिप्लेस करके फिर इसके बाद एक बार टेस्ट ड्राइव करके इसको चेक करेंगे, ठीक है। देख सकते हैं, काटा हमारा थोड़ा हिल भी नहीं रहा है, हमारी गाड़ी चल रही है, ठीक है फ्रेंड। तो हम इसका पहले सबसे पहले वायरिंग चेक करते हैं, नहीं तो आपको स्कैनिंग करके दिखाते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, हम अभी इसका स्कैनिंग कर रहे हैं, स्कैनिंग करके आपको बताते हैं कि फॉल्ट कोड क्या है करके। देख सकते हैं फ्रेंड, स्पीड किलोमीटर सेंसर का ही फॉल्ट कोड आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम इसको क्लियर करेंगे, क्लियर करके चेक करेंगे कि हमारा फॉल्ट कोड क्लियर होता है क्या। अगर फॉल्ट कोड क्लियर हो जाएगा तो समझ लीजिए हमारा सेंसर का प्रॉब्लम है, वायर वर की वजह से ब्रेक नहीं है। तो इसको हम आपको क्लियर करके दिखाते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, हमारा फॉल्ट कोड क्लियर हो गया है, इसका वाला हमारा सेंसर का, देख सकते हैं हमारे मीटर से चेक लाइट भी ऑटोमेटिक चला गया है। ये हमारी गाड़ी स्टार्ट है, रेस कीजिए, देखिए। तो फ्रेंड, हम इसका सेंसर रिप्लेस करेंगे स्पीड किलोमीटर का, उसके बाद फिर इस सेंसर रिप्लेस करके फिर एक बार ट्रायल मारेंगे कि हमारा जो स्पीड किलोमीटर सेंसर है वो काम करता है कि नहीं। तो फ्रेंड, हमने इसका स्कैनिंग करके फॉल्ट कोड क्लियर कर दिया है, और क्लियर करने के बाद हमने गाड़ी को देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने के बाद हमारा चेक लाइट तो चला गया है फ्रेंड, लेकिन हमारा किलोमीटर जो काटा है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है हम थोड़ा चला कर देखेंगे। अगर किलोमीटर का काटा काम नहीं कर रहा है तो हमें किलोमीटर जो सेंसर है वो रिप्लेस ही करना पड़ेगा। तो हम थोड़ा इसका टेस्ट ड्राइव लेके एक बार चेक कर लेते हैं। ये देख सकते हैं, हमारा चेक लाइट तो चला गया है, देखिए हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन फ्रेंड अभी भी हमारा जो किलोमीटर का काटा है वो नहीं काम कर रहा है, देख सकते हैं आपके सामने है। देखिए हमारी गाड़ी स्पीड में जा रही है लेकिन थोड़ा भी हिल नहीं रहा है। तो हम इस किलोमीटर का सेंसर जो है उसे रिप्लेस ही करेंगे, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि हमारा कोई वायर वायर ब्रेक नहीं है। अगर हमारा कोई वायर वायर कटा रहता तो जो चेक लाइट का जो प्रॉब्लम था वो क्लियर भी नहीं होता और अपना चेक लाइट भी नहीं जाता मीटर से। आप देख सकते हैं हमारे मीटर पे भी चेक लाइट नहीं आ रहा है क्योंकि हमने फॉल्ट कोड को स्कैनर लगा के क्लियर किया था। तो चेक लाइट तो चला गया है लेकिन जो हमारा किलोमीटर का काटा है वो अभी भी काम नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड, हम सबसे पहले इस किलोमीटर को सेंसर को ओपन करेंगे, ओपन करके फिर जहाँ से हम इस पे पार्ट लेते हैं वहाँ सैंपल लेके जाएंगे और चेक करेंगे पार्ट अवेलेबल है कि नहीं है। क्योंकि फ्रेंड क्या है, ये रनिंग पार्ट नहीं है, जो रेगुलर यूज होता है पार्ट वो हमें तुरंत मिल जाता है, ये रेगुलर यूज होने वाला पार्ट नहीं है। तो हम चेक करेंगे, अगर हमें मिल जाएगा तो हम आपको तुरंत रिप्लेस करके दिखाएंगे, और नहीं तो अगर टाइम जाएगा 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद अगर सेंसर बोलेंगे सामने वाले कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन 4 दिन बाद मिलेगा, इसका ऑर्डर करना पड़ेगा, तो हम ऑर्डर करके मंगाएंगे उसके बाद आपको रिप्लेस करके दिखाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो जैसा कि फ्रेंड हमने आपको इसमें बताया था इसका स्पीड किलोमीटर सेंसर का प्रॉब्लम है, तो हम अब उसको ओपन कर रहे हैं क्योंकि हमें सेंसर जो है अरेंज हो गया है। सेंसर उस समय अरेंज नहीं था तो हमने ऑर्डर दिया था, एक हफ्ते बाद हमें अरेंज करके मिला है। सबसे पहले तो हम इसका जूना वाला स्पीड सेंसर ओपन करके आपको दिखाते हैं कि कैसे ओपन किया जाता है। देख सकते हैं, सबसे पहले तो एयर फिल्टर का जो बॉडी है ये ओपन कर दीजिएगा, ऐसा
ये वाला जो बॉडी है इसको ओपन कर लीजिएगा। इसके बाद से ये हॉर्स पाइप जो है ये आप लोग ओपन कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका स्पीड किलोमीटर सेंसर है, इसके नीचे हम बताते हैं। देखिए ये देखिए आपको सॉकेट दिख रहा है ये वाला। तो सबसे पहले तो हम इसका सॉकेट ओपन करने से इसका बैटरी डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो हमने ये माइनस का वायर डिस्कनेक्ट कर दिया है और इसका सॉकेट हम ओपन करेंगे। ये देखिए इसका सॉकेट है ये स्पीड किलोमीटर सेंसर का, ठीक है। तो अभी हम आपको स्पीड किलोमीटर सेंसर इसका ओपन करके दिखाते हैं। फ्रेंड हम इसका स्पीड किलोमीटर सेंसर ओपन कर रहे हैं, देख सकते हैं हाथ डालने का भी जगह नहीं है। ये देखिए देख 10 का बोल्ट आता है। फ्रेंड इसको घुमा घुमा कर निकालिएगा, हम भी घुमा घुमा के निकाल रहे हैं। देखिए हमारा बाहर आ रहा है, थोड़ा सा बचा है ये देखिए। तो फ्रेंड हमने इसका सेंसर ओपन कर दिया है, देख सकते हैं ये इसका नया वाला है और इसका जूना वाला। तो सबसे पहले तो हम इसका लेंथ एंड चेक करेंगे सेम है कि नहीं है, सेफ लेंथ चेक करेंगे। ये देख सकते हैं ये हमारा सेफ लेंथ सब सेम है, देख सकते हैं ये लेंथ, ये लेंथ यही सेंस करता है, देख सकते हैं। इसका हम लेंथ भी चेक करेंगे, ये देखिए एकदम बराबर है, बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं। अगर बिल्कुल भी छोटा बड़ा रहेगा तो आपका जो सेंस का काम है वो सेंस नहीं करेगा, आपका किलोमीटर नहीं चलेगा, ठीक है फ्रेंड। देख सकते हैं ये हमारा सॉकेट भी सेम है, ये देख सकते हैं ये 3 पिन भी है, 3 पिन भी है, ठीक है फ्रेंड। तो एकदम ओके है। अब हम इसको फिट करते हैं, फिट करके आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा सेंसर बैठ चुका है, अब हम इसका 10 का बोल्ट बिठाएंगे। ये इसका 10 का बोल्ट है। तो ये हमारा सेंसर फिट हो चुका है, अब हम इसका सॉकेट लगाएंगे। ये इसका सॉकेट है, ठीक है। तो हमारा सॉकेट भी बैठ चुका है। अब हम इसका हॉर्स बिठाएंगे। फ्रेंड बिना ये हॉर्स बिठाए एयर फिल्टर का, मोटर बॉडी से जो एयर फिल्टर में हॉर्स पाइप लगता है, ये अगर आप नहीं बिठाएंगे और ये नहीं बिठाएंगे तो आपका गाड़ी स्टार्ट होकर तुरंत बंद हो जाएगा। तो आपको फाइनल फिट करके ही गाड़ी स्टार्ट करके चेक करना पड़ेगा कि आपका किलोमीटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम इसको पहला फाइनल फिट करेंगे, उसके बाद आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो ये हमारा हॉटस्टार का दोनों क्लिप टाइट हो चुका है, पानी के भी बिठा दिया हमने, अब हम इसको लगाएंगे। तो फ्रेंड हमारा ये किलोमीटर स्पीड किलोमीटर सेंसर जो था हमने फिट कर दिया है, ये एयर फिल्टर का होस और ये एयर फिल्टर हमने बॉडी वॉडी भी सब फिट कर दिया है। इसका हमने माइनस का बैटरी वैटरी डिस्कनेक्ट किया था, उसे ही फिट करेंगे और फिट करके उसके बाद चालू करके चेक करेंगे। देख सकते हैं इसका जूना वाला सेंसर है। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फ्रेंड जो हमारा चेक लाइट का प्रॉब्लम था और जो हमारा किलोमीटर का जो खाता नहीं बताता था वो चालू होता है या नहीं, चेक लाइट ऑटोमेटिक हमारा जाता है कि नहीं। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम गाड़ी को चालू कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो चेक लाइट था वो तो ऑटोमेटिक चला गया है। अब इसको हम छोटा सा टेस्ट ड्राइव लेंगे क्योंकि चला के हमको देखना पड़ेगा इसका जो किलोमीटर का जो काटा है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, हमारा किलोमीटर देख सकते हैं 162432 है। तो अब हम इसको 1-2 मीटर चलाते हैं, उसका देखते हैं हमारा किलोमीटर का जो रीडिंग है वो बढ़ता है कि नहीं। ठीक है फ्रेंड, तो हम अब एक टेस्ट ड्राइव लेकर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड अब हम ये गाड़ी को लेकर टेस्ट ड्राइव के लिए निकले हैं।
हमारा किलोमीटर का जो काटा है वो चेक करने के लिए चलता है कि नहीं, और हमारा किलोमीटर का रीडिंग भी चलता है। देख सकते हैं 432 है, ये देख सकते हैं हमारा जो किलोमीटर का काटा है वो चालू हो चुका है, अभी हमारे स्पीड के हिसाब से है। इसको हम थोड़ा भगा के देखेंगे कि 20 से ऊपर जाता है कि नहीं। ये देख सकते हैं ऑटोमेटिक हमारा गाड़ी रुका हुआ है, जीरो पे आ चुका है। तो फ्रेंड हम आपको इसको हाईवे पे लेके दिखाते हैं प्रॉपर से। फ्रेंड ये हमारा जो किलोमीटर का काटा है बराबर चल रहा है, देखिए अभी 40 आरपीएम पे गया, देखिए अभी हमारी गाड़ी 40 की स्पीड में चल रही है, देखिए 50 की स्पीड में, ये देख सकते हैं। ये जो गाड़ी का हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है, देख सकते हैं चेक लाइट भी नहीं आ रहा है और हमारा जो किलोमीटर का काटा वो भी काम करने लगा। अभी हम आपको रीडिंग बताते हैं, देखिए टोटल रीडिंग कितना चलता है, अभी 1 किलोमीटर रीडिंग बढ़ गया है। हम आपको और पूरी तरह से चला के दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे गाड़ी के जो कस्टमर जी है उनके साथ ही हम टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं ताकि वो भी सामने से चलाकर चेक कर सके कि जो उनका प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। फ्रेंड हमारे किलोमीटर की रीडिंग 2 किलोमीटर का रीडिंग हमारा बढ़ चुका है, उसमें 432 था हमारा 434 हो चुका है अभी तक। अब हम गैरेज पे जा पहुंच के फाइनल आपको दिखाते हैं कितना किलोमीटर रीडिंग बढ़ा है हमारा, ठीक है फ्रेंड। तो अब हम गैरेज पे जा रहे हैं, गैरेज पे पहुंच कर फिर आपको दिखाते हैं। तो अब हम इसका टेस्ट ड्राइव लेके आ चुके हैं, अब गैरेज पे पहुंचने वाले हैं। तो गैरेज पे पहुंच के हम टोटल आपको इसका किलोमीटर का रीडिंग बताते हैं कितना किलोमीटर हमने इसका रनिंग किया है। तो अभी गाड़ी आपका हो चुका है, किलोमीटर वीटर आपका चल रहा है सब एकदम बढ़िया टकाटक, चेक लाइट का जो प्रॉब्लम था सॉल्व हो चुका है एकदम बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं एकदम। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं हमने गाड़ी के ओनर से इनका डिसीजन ले लिया कि जो इनका प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है कि नहीं, ठीक है फ्रेंड। तो अब हम आपको इसका रीडिंग बता देते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड 162434 ये हमारा रीडिंग है, क्योंकि हमने ज़्यादा इसका टेस्ट ड्राइव नहीं लिया, 2.5 किलोमीटर तक टेस्ट ड्राइव लिया इसका, ठीक है फ्रेंड। तो देख सकते हैं हमारा जो किलोमीटर का जो रीडिंग वो भी बढ़ चुका है 2 पॉइंट। अगर हमारा ये अगर जो हमारा स्पीड किलोमीटर सेंसर अगर बराबर नहीं रहता तो हमारा रीडिंग भी नहीं बढ़ता, जो काटा है वो भी नहीं बताता था आपका 20 की स्पीड में चल रहा है कि 40 स्पीड में चल रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो हमने दोनों टेस्ट ड्राइव ले लिया, हमारे गाड़ी के जो मालिक थे उनके साथ ही ले लिया है, तो ये हमारी गाड़ी ओके हो चुकी है, ठीक है ये देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो अब हमें गाड़ी कस्टमर जो हमारे ओनर है उनको डिलीवरी दे देंगे, क्योंकि हमने टेस्ट ड्राइव ले चुका है इन गाड़ी का, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड ये हमारा आज का वीडियो था स्पीड किलोमीटर सेंसर रिप्लेस का, तो हमने इसमें स्पीड किलोमीटर सेंसर रिप्लेस किया है क्योंकि हमारा जो गाड़ी का जो किलोमीटर का काटा था वो बता नहीं रहा था और चेक लाइट भी आ रहा था, तो दोनों प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है। अगर आपको हमारा आज का वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए।